रानी मुखर्जी अपनी पति को देती है गालियाँ। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। इसके साथ ही रानी निजी जिंदगी में भी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। इंडस्ट्री के नामी डायरेक्टर और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ उनकी शादी 2014 में हुई थी और इन दोनों की एक बेटी भी जिसका नाम आदिरा है। पर हाल ही में रानी मुखर्जी ने अपनी निजी जिंदगी और पति आदित्य चोपड़ा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल रानी मुखर्जी ने एक शो के दौरान कहा है कि वो अक्सर अपने पति आदित्य को गालियां दिया करती हैं। हालांकि इसके साथ ही रानी ने ऐसा करने की वजह भी बताई है। चलिए जानते हैं कि आखिर रानी को क्यों अपने पति को गालियां देनी पड़ती है। रानी मुखर्जी 4 साल बाद फिल्म हिचकी के जरिए दोबारा से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं और इसी के प्रमोशन में वो आजकल बिजी हैं। तमाम टीवी शो से लेकर इवेंट्स में वो भाग ले रही हैं और इसी सिलसिले में वो हाल ही में नेहा धूपिया के चैट शो वोग VFX में भी पहुंची थीं। इस शो में चैट के दौरान रानी मुखर्जी ने अपनी निजी जिंदगी के कई सारे राज साझा किए और अपनी बेटी आदिरा से लेकर पति आदित्य चोपड़ा के साथ अपने संबंध के बारे में भी खुलकर बात की। रानी ने बताया कि आदित्य से उनकी पहली मुलाकात फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के सिलसिले में हुई थी। उस फिल्म के लिए जब वो आदित्य से मिली तो आदित्य ने रानी से साफ साफ बता दिया था कि दूसरे लोग उन्हें रानी को कास्ट करने से मना कर रहे थे क्योंकि उस समय रानी की फिल्में अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन आदित्य को लगता था कि इस रोल के लिए रानी परफेक्ट है, इसलिए उन्हें अप्रोच किया गया। ऐसे में रानी को आदित्य की ये साफ गोई और ईमानदारी पसंद आई थी। मैं हर दिन अपने पति आदित्य पर गुस्सा करती हूँ, रानी मुखर्जी अपनी पति को देती है गालियाँ। इसके बाद बातचीत के दौरान नेहा धूपिया ने रानी से पूछा कि क्या वो कभी गालियाँ देती हैं या फिर नाराज होती हैं, जिसके जवाब में रानी ने कहा कि मैं हर दिन अपने पति आदित्य पर गुस्सा करती हूँ और मैं हर दिन उन्हें भी गालियाँ देती हूँ। रानी ने आगे बताया कि आदित्य बहुत ही स्वीट और केयरिंग पर्सन है, इसलिए प्यार में उनके लिए गालियाँ निकल जाती हैं। दरअसल मैं अगर किसी को गाली देती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बता दें कि अपनी अपकमिंग फिल्म हिचकी में रानी मुखर्जी एक टीचर की भूमिका में नजर आने वाली हैं, जिसे बार बार हिचकी आने की समस्या है और उसकी इस बीमारी की वजह से उसे कोई स्कूल अपने यहाँ रखना नहीं चाहता, और जब आखिर में बहुत मुश्किलों के बाद उसे एक स्कूल में नौकरी मिलती है तो वहाँ स्कूल के बच्चे उसे नहीं अपनाते हैं। पर इसके बाद ही फिल्म की कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बताया जा रहा है कि पहले ये फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, पर स्कूली बच्चों के परीक्षाओं को देखते हुए इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 23 मार्च को कर दी गई है।